ये हम जानेंगे पेंट सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है, जो हमारा पेंट पेंटिंग बूथ में ऊपर गल्फ पे जाता है, तो कैसे पेंट किचन में पेंट मिक्सिंग होती है और पेंट ऊपर बूथ में जाता है। तो सबसे पहले ये हमारे सामने क्या है, पेंट कंटेनर जिसमें पेंट बनता है। जिस भी कलर की पेंटिंग ऊपर बूथ में होनी है तो वो कलर यहाँ पे बनेगा। जैसे ये कंटेनर हमारे पास है रेड पेंट का, ठीक है, और इसमें हम देखेंगे क्या है, ये आपका स्टायरर है। ये किस लिए होता है, इसमें नीचे आप देखोगे अभी पेंट होने की वजह से ब्लेड नहीं दिख रहा है, अदरवाइज नीचे ब्लेड्स हैं, तो ये क्या है पेंट को मिक्सिंग में हेल्प करता है, आपके पेंट को जमने नहीं देगा, है ना, थिनर के साथ मिक्स करेगा। ये आपकी है रिटर्न लाइन, सॉरी सर्कुलेशन लाइन, ये है रिटर्न लाइन, और ये जो लाइन है ये इसलिए, ये आपका सिस्टम क्लीनिंग के दौरान थिनर वगैरह ऐड करने के लिए, ठीक है। पेंट कंटेनर से अब देखो आप पाइपलाइन कहाँ जा रही है, बॉटम से ये आती है यहाँ पे थ्री वे वाल पे, और थ्री वे वाल में हम देख रहे हैं एक पाथ आ रहा है कंटेनर से और दूसरा आ रहा है सक्शन पाइप से, ये हमारा सक्शन पाइप है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है जो भी हमारा पेंट का कंटेनर है जो बाहर से आ रहा है या फिर थिनर का कंटेनर है उससे हम पेंट या थिनर सक करके पेंट कंटेनर में जो हमारा ये मेन टैंक है इसमें फिल करते हैं, ठीक है, जो 20 लीटर के टैंक आते हैं उनसे हम इस कंटेनर में पेंट फिल करते हैं। ये हमारे लगभग 50 लीटर 100 लीटर के टैंक रहते हैं, ठीक है। इसके बाद थ्री वे वाल के बाद ये गया रेड फिल्टर। रेड फिल्टर किस लिए है, रेड फिल्टर का काम क्या है कि जो भी पेंट कंटेनर में पेंट मिक्सिंग के दौरान कुछ भी पार्टिकल आ गया, डस्ट पार्टिकल आ गया, कोई मेटलिक पार्टिकल आ गया, है ना, उस पार्टिकल को यहाँ पे ये रोक देता है ना ये फिल्टर। और क्यों ऐसा क्यों लगा रखा है इसको, क्योंकि हमारा जो डायफ्राम पंप है इस पंप में कोई भी मेटेलिक या डस्ट पार्टिकल ना जाए ताकि पंप की हमारी लाइफ मेंटेन रहे, है ना। तो ये फिल्टर क्या करेगा, उस पार्टिकल को रोकेगा जो भी फॉरेन पार्टिकल है पेंट में। और उसके बाद पेंट किया डायफ्राम पंप पे, तो डायफ्राम पंप हमारा क्या काम करता है, ये न्यूमेटिकली ऑपरेटेड पंप है जो FRL के थ्रू, ये आप एयर पाइप देख रहे हो तो ये कहाँ जा रही है, ये हमारी ये FRL पे जा रही है ना, ये FRL पे। तो यहाँ पे देखिए ये हमने 5 to 6 बार इसे प्रेशर दिया है और इससे ये ऑपरेट होता है, ठीक है। और ये दूसरा FRL ये स्टायरर का है, ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे तो स्टायरर घूम रहा है, तो इसको हम अभी क्लोज करते हैं। तो डायफ्राम पंप के बाद अभी हमारा ये चल रहा है, तो ये फिर आगे जाता है थ्री वे वाल। ये थ्री वे वाल फिर क्या करता है, एक पाथ है सर्कुलेशन वाला, जो जब हम कंटेनर में पेंट फिल करते हैं बाहर से लाए हुए 20 लीटर के कंटेनर से, तो इस पाथ का यूज करते हैं। तो थ्री वे वाल को हम इस साइड ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, पेंट कंटेनर में आएगा। और दूसरा जो साइड है, दूसरा वे, तो ये वे क्या है, ये आपका पेंट लाइन है जो जानी है बूथ को पेंटिंग गन के लिए, ठीक है। तो अब ये जो हम सिलेक्शन करते हैं ये इस थ्री वाल पे डिपेंड करता है कि इसको किस डायरेक्शन में रखेंगे तो कौन सी लाइन ऑपरेट होगी, ठीक है। और सेम हम नीचे थ्री वे वाल पे सक्शन पाइप को यूज करते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको जब हमने ऑपरेट करना होगा सक्शन पाइप वाली लाइन को, उसके अकॉर्डिंग अपने थ्री वे वाल को एडजस्ट करना होगा। तो अभी हमने जो सेलेक्ट किया है उसमें क्या है, अभी वो कंटेनर से पेंट ले रहा है, कंटेनर से पेंट लेके ये डायफ्राम पंप पे दे रहा है। और ये जो वाल सिलेक्शन है ये अभी क्या है, इस लाइन को डिस्चार्ज कर रहा है। आप देखोगे ये अभी गेज पे प्रेशर आ रहा है ना, तो ये अभी पंप का डिस्चार्ज लाइन है जो पेंट बूथ पे जा रहा है। तो सबसे पहले है पेंट सर्ज बोतल। सर्ज बोतल क्या करती है, ये इस लाइन में जो ये आपकी डिस्चार्ज लाइन है पंप की जो ऊपर वे बूथ को जा रही है, इसमें पेंट प्रेशर को मेंटेन रखता है सर्ज बोतल, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो प्रेशर गेज लगा हुआ है, तो इसमें हमारा लगभग कितना आ रहा है, ये आपका PSI में आप देखोगे तो 50 के करीब, और बार में आप देखोगे तो लगभग 4 bar के करीब प्रेशर आ रहा है ना। तो सेम प्रेशर आपको इस कार्टेज फिल्टर के बाद भी मिलना चाहिए अगर कोई चोकिंग नहीं है। तो ये क्या है, ये कार्टेज फिल्टर है। कार्टेज फिल्टर का फिर क्या काम है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर आ रहा है तो उस पार्टिकल को यहाँ पे फिर ये रोकेगा, है आगे नहीं जान देगा, और डस्ट वगैरह सारा रोक के फिर आपका ये कार्टेज के बाद जो प्रेशर है ये फिर हमें दिखाएगा कि कितना प्रेशर है।
तो ये प्रेशर डिफरेंस इस आउटपुट गेज का और इनपुट गेज का, ये आपको बताता है कि कार्टेज फिल्टर चोक है या नहीं है, है ना। आउटपुट का अगर प्रेशर आपका ज़्यादा होगा कम होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि कार्टेज में चोकिंग है, तो यहाँ से पता चलेगा। और इसके बाद फिर ये नेक्स्ट क्या है, ये कूनो फिल्टर है। फिर ये एक सेकेंडरी फिल्टर हमने और दिया है ताकि हमारी पेंट की क्वालिटी और हम ज़्यादा मेंटेन कर पाएँ, और कोई भी डस्ट अगर यहाँ पे कार्टेज पे रह जाती है तो उसको फिर हम यहाँ पे फर्दर ब्लॉक करेंगे, है ना। फिर इसके ऊपर गेज है तो यहाँ पे भी हम प्रेशर देख सकते हैं कितना है ना। तो ये हर कार्टेज से पहले और बाद का प्रेशर गेज जो हमारा है, ये हमें बताता है कि आपकी चोकिंग है या नहीं है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये फिर सीधा ऊपर बूथ को जा रही है, ठीक है, ऊपर पेंटिंग बूथ। और ये जो बूथ को जा रही है उसके बाद आप देखिए ये ऊपर बूथ से फिर ये होके रिटर्न आती है, ठीक है। तो ये जो रिटर्न आती है, इस रिटर्न लाइन में आपका फिर ये एक लगा है बैक प्रेशर रेगुलेटर। तो यहाँ पे जो ये प्रेशर है आपका अभी लगभग ये कितना 3 bar के करीब है ना, थोड़ा कम है, 2.8, 2.89 ऐसे लो। तो ये अभी रिटर्न लाइन का आपका प्रेशर है, तो ये प्रेशर भी हमें मेंटेन करना जरूरी है। क्यों? ताकि हमारा पेंट गनों में प्रॉपरली आपका पेंट आए। हाँ, अगर ये प्रेशर भी मेंटेन नहीं होगा, ये कम है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका पेंट रिटर्न ज़्यादा हो रहा है। तो रिटर्न ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ऊपर पेंटिंग गनों को कम मिलेगा, है ना। तो इसलिए इसका भी मेंटेन होना जरूरी है। तो आप देखो ये रिटर्न लाइन, ये हमारी लाइन, ये फिर कंटेनर को वापस आ गई, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम था पेंट किचन का। पेंट किचन में पेंट सर्कुलेशन कैसे हो रहा है ना, जो भी पेंट हम मिक्स कर रहे हैं उसका सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, कैसे वो ऊपर बूथ में जा रहा है और कैसे रिटर्न हो रहा है, रिटर्न लाइन से नीचे आ रहा है।